टू माय यूट्यूब चैनल अपेक्षा ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। मेरे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं, फ्रैक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं, उसके बाद इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हमने फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ी थी। नाउ आज हम उसी के एक दूसरे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, कंपेयरिंग ऑफ टू फ्रैक्शंस। मतलब आपको मोर देन टू या थ्री जितने भी गिवन फ्रैक्शंस हैं तो उसमें कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है या कौन सा इक्वल है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सो लेट स्टार्ट। लेट ए अपॉन बी डेफिनेशन है, लेट ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी बी टू गिवन फ्रैक्शंस। मान लीजिए आपको दो फ्रैक्शंस गिवन है, ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी। देन एक कंडीशन अप्लाई होगी, ए अपॉन बी इज लेस देन सी अपॉन डी। दैट मींस सी अपॉन डी है वो ए अपॉन बी से बड़ा होगा। कब? जब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, ए इज द न्यूमिरेटर, बी इज डिनोमिनेटर, सी इज न्यूमिरेटर, डी इज डिनोमिनेटर। ओके, तो ए का मल्टीप्लीकेशन डी के साथ होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, एंड बी का सी के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का रूल है। सो कंडीशन क्या कहती है, जब भी हम दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हैं, सो a upon b is less than c upon d, that means c upon d a upon b से बड़ा होगा। कब? जब a d मतलब a d का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन c d से क्या हो, छोटा हो, या फिर c d का जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है वो a d से क्या हो, बड़ा हो। कैसे? हम एग्जांपल से समझते हैं। लेट कंपेयर 3 upon 4 एंड 5 upon 6। आपको कंपेयर करना है कि इन दोनों फ्रैक्शंस में से कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो यहां पर देखिए 3 अपॉन 4 क्या हो जाएगा, a अपॉन b मान लीजिए इसका एक फॉर्म है, और 5 अपॉन 6 मान लीजिए c अपॉन आपका क्या है, d है। सो 3 अपॉन 4 5 अपॉन 6 क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या हो जाएगा, a D आपका हो जाएगा 3 इंटू 6 20, एंड C B आपका हो जाएगा 4 इंटू 5, सॉरी C A D हो जाएगा 3 इंटू 6 18, C इंटू B 4 इंटू 5 हो जाएगा आपका 20। अगेन आई रिपीट, A अपॉन B मान लीजिए 3 बाय 4 है, C अपॉन D मान लीजिए 5 अपॉन 6 है। दो आपके पास फ्रैक्शंस हैं, हमने दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो 3 इंटू 6 वो आपका हो जाएगा AD 18, 4 इंटू 5 क्योंकि हमने देखा था क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है, AD और ये हो जाएगा BC। ठीक है, सो AD आपका हो जाएगा 18, CB हो जाएगा आपका 4 इंटू 5 20। अब यहां पर देखिए बड़ा कौन सा है, CB, और AD क्या है, 18 छोटा है। तो कंडीशन क्या थी, AD इज लेस देन CD, तो AD आपका क्या है 18 इज लेस देन CD, CD आपका क्या है 20। दैट मींस कि CD बड़ा है AD से, या AD छोटा है BC से या CB से। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका कौन सा फ्रैक्शन छोटा होगा या बड़ा होगा, तो सी बाई डी मतलब कि 5/6, ये 5/6 क्या होगा, बड़ा होगा 3/4 से, या आप लिख सकते हैं 3/4
is less than 5/6. Okay, so this is a basic fundamental how we get a big fraction by comparing of two given fraction. दूसरी कंडीशन हो जाएगी a अपॉन b इज ग्रेटर देन c अपॉन d, विच इंप्लाइज दैट a d इज ग्रेटर देन b c. उसका रिवर्स, यानी कि अभी भी आपको दो फ्रैक्शन गिवन है, उन दोनों में कंपेयर करना है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है. तो उसकी कंडीशन क्या होगी, अगर a अपॉन b है वो बड़ा होगा c अपॉन d से, कब, जब a d का क्रॉस मल्टीप्लाई है वो b c के क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या हो, बड़ा हो. चलो एग्जांपल से समझते हैं. नाइन बाय सिक्स 16 और है 11/24. आपको दो गिवन फ्रैक्शन है 9/16 एंड 11/24. मान लीजिए a अपॉन b आपका हो जाएगा 9/16, c अपॉन d आपका हो जाएगा 11/24. आपके पास दो फ्रैक्शन है जो क्वेश्चन में गिवन है. नाउ वी गेट क्रॉस मल्टीप्लाई विच इज नाइन अपॉन 11/24 क्रॉस मल्टीप्लाई, वी गेट ए डी विच इज 9/24 एंड बी सी विच इज 16/11. तो 9/24 ये आपका हो जाएगा 216 एंड 16/11 आपका हो जाएगा 176. ठीक है, दो फ्रैक्शन आपने ले लिए, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो आपके पास एडी आ जाएगा 216 एंड बीसी हो जाएगा 176. अब यहां पर देखिए एडी बड़ा है बीसी से, एडी इज ग्रेटर देन बीसी. व्हाई, बिकॉज एडी इज 216 विच इज ग्रेटर देन 176. सो सिंपल, अगर एडी बीसी से बड़ा है तो आपका कौन सा फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा, a by b which is 9/16. So 9/16 is greater than 11/24. So this is a basic rule how we get a big fraction by given two fractions. ठीक है, ये हो गया दो फ्रैक्शन के बीच की बात. अगर आपको क्वेश्चन में गिवन हो कि दो से ज्यादा फ्रैक्शन है और उनका आपको कंपैरिजन करना है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, या उनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, वट एवर जो क्वेश्चन में गिवन हो. मान लो आपके पास तीन फ्रैक्शन है और आपको बोला जाए कि इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए या फिर असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, तो वो हम कैसे करेंगे. इसके लिए हम मान लेते हैं आपके पास कोई भी तीन फ्रैक्शन हो, टू की जगह लिख देते हैं कंपेयरिंग मोर देन टू फंक्शन. ठीक है, कंपेयरिंग मोर देन टू फ्रैक्शन. मान लीजिए आपके पास तीन फ्रैक्शन है 2/9, 2/3 एंड 8/21. ठीक है, आपके पास ये तीन फ्रैक्शन गिवन है क्वेश्चन में और आपको पूछा जाए कि इनको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में. इन तीनों फ्रैक्शंस को आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. डिसेंडिंग ऑर्डर दैट मींस बड़े से छोटे की तरफ, और असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ. डिसेंडिंग का मतलब मान लीजिए आपके पास चार नंबर है 1, 2, 3, 4, तो आपको पूछा जाए डिसेंडिंग ऑर्डर लिखिए, तो हो जाएगा 4, 3, 2, 1, मतलब 4 सबसे बड़ा, फिर 3, फिर 2, फिर 1. ओके, एंड
असेंडिंग ऑर्डर में होता है छोटे से बड़े की तरफ, लाइक वन, वन से बड़ा टू, टू से बड़ा थ्री, थ्री से बड़ा फोर. सो हमें यहाँ पर ये तीन फ्रैक्शन गिवन है और हमें ये पता लगाना है कि इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, फिर उससे फिर मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें इसको राइट डाउन लिखना है. तो सबसे पहला क्या है, हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या है कि इन तीनों फ्रैक्शंस का आपको क्या निकालना है, एलसीएम. एलसीएम क्या होता है, लिस्ट कॉमन फैक्टर. कैसे निकालते हैं वो देख लें. एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, ये जो इनके डिनोमिनेटर है 9, 3 and 21. द फर्स्ट स्टेप इज हमें तीनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड आउट करना है. ठीक है, देखिए एलसीएम कैसे निकालते हैं, 9, 3, 21. ठीक है, एलसीएम निकालने का मेथड क्या होता है कि उनके छोटे से छोटे फ्रैक्शन करना, लाइक ये 3 की टेबल से 3, 1, 7, नाउ 3 की टेबल से 1, 1, 7 एंड 7 की टेबल से 1, 1 एंड 1. सो एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 into 3, 9, 9 into 7, 63. सो एलसीएम इज 3 into 3 into 7, दैट इज 63. द फर्स्ट स्टेप इज वी फाइंड द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर विच वी हैव 63. ओके, द सेकेंड स्टेप इज कन्वर्ट ईच फ्रैक्शन विथ इट्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. द सेकेंड स्टेप इज, फर्स्ट स्टेप हमने एलसीएम निकाल लिया, सेकेंड स्टेप है कि हमें जो भी गिवन फ्रैक्शन है उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था. अगर आपको नहीं आता है तो आप एक बार प्लीज वहां जाकर चेक कीजिए कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं. यहां मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे फाइंड आउट किया जाता है. सबसे पहले 2/9, ठीक है. अब देखो सिंपल सी ट्रिक है कि मैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को कैसे फाइंड आउट करूं, बाय यूजिंग एलसीएम. अगर मैं एलसीएम को बोल दूं एम, इसको मैं एम बोल देती हूं, ठीक है. कन्वर्ट ईच फ्रैक्शन विथ इट्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बाय यूजिंग एलसीएम, जिसको हमने क्या बोल दिया, एम. अब एलसीएम क्या आपका 63, मतलब कि आपके डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए यहां पर, 63. तो वो कैसे आएगा, मैं इन दोनों नंबर्स को 2/9 को इस फ्रैक्शन को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा डिनोमिनेटर क्या आ जाए, 63. तो सो सिंपल, 2 into 7 and 9 into 7, विच इज 14/63. सो सिंपल. सेकेंड इज 2/3, मुझे डिनोमिनेटर क्या चाहिए, 63. सो 63 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो क्या आ जाएगा, 21. तो मैं अगर 2 into 21 करूं और 3 into 21 करूं तो मेरा डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, 63. अगेन आई रिपीट व्हाट इज द रूल्स, हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का, जिस भी नंबर का, जिस भी फ्रैक्शन का हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसका जो डिनोमिनेटर है वो आपका क्या आना चाहिए, 63. मतलब कि उसका जो एलसीएम, जो हमने एलसीएम फाइंड आउट किया है वही उसका क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर. सो हमने डिनोमिनेटर 2 के फाइंड आउट कर लिए. थर्ड है आपका 8/21. तो मैं क्या करूंगी, 63 को 21 से डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा, 3. तो मैं 8 into 3 और 21 into 3, ये हो जाएगा 24/63. तीनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गए, 1, 2 and 3. Clearly, we have 3 equivalent
फ्रैक्शन अगर मैं इसको नॉर्मली लिखूं तो मेरे पास हो जाएगा 14/63, 42/63 and 24/63। ठीक है, ये आपके तीन फ्रैक्शन आपके पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गए। जो भी आपको गिवन फ्रैक्शन थे उनके क्या हो गए, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे कि 14/63 किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन था, 2/9 का। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसका था, 2/3 का। और ये वाला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसका था आपका, 8/21 का। ठीक है, सो नाउ वी कंपेयर कि तीनों में से सबसे बड़ा कौन सा है। देखिए सो सिंपल, यहां पर तीनों के डिनोमिनेटर क्या है, 63, विच इज अ लाइक फ्रैक्शन। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर जिनके डिनोमिनेटर सेम है तो फ्रैक्शन क्या कहलाते हैं, लाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। तो हम कंपेयर किससे करेंगे, इनके न्यूमिरेटर से। इनके डिनोमिनेटर तो सेम है तीनों के, सो वी कंपेयर द न्यूमिरेटर ऑफ ऑल इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सो वी गेट सबसे बड़ा कौन सा है, 42/63। हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ओके। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। सबसे बड़ा 42/63, फिर उससे छोटा 22/63 एंड उससे छोटा 14/63। दैट इज कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर, ओके। सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन थे जिससे हमने कंपेयर किया। तो इनका एक्चुअली फ्रैक्शन कौन सा है वो लिख लेते हैं। 42/63 किसका है, 2/3 का। फिर 24/63 किसका है, 8/21। और फिर 14/63 किसका है, 2/9 का। दैट इज द एक्चुअल डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ अ गिवन फ्रैक्शन। This is our answer. The correct answer is that, not that is. Okay? So, this is a basic fundamental how we get, yeah, how we compare more than two fractions. The step one is find the LCM of all fraction, find the LCM of all denominators of a given fractions. Step number two, find the equivalent fraction of a given fraction by using LCM. ठीक है, step number three, that is हमें तीनों equivalent fraction के according जो भी आपको order give order find out करना है, like descending, like ascending, जो भी आपको question में पूछा गया हो उसके according हमें उनका descending या ascending order find out करना है. So हमने इस video में देखा कि compare कैसे करते हैं दो fractions को या उससे ज्यादा। जैसे यहाँ पर तीन फ्रैक्शन गिवन थे, मान लीजिए आपको पांच फ्रैक्शन गिवन हो या सेवन फ्रैक्शंस गिवन हो, तो सबको हम इसी मेथड से फाइंड आउट करेंगे, ओके? Now addition of fraction, किसी भी given fractions का आपको addition कैसे find out करना है। मान लीजिए आपके पास दो fraction है, 3/11 + 7/11, इसका आपको sum find out करना है। सबसे इजी मेथड है, आपको गिवन फ्रैक्शन का क्या करना है, सम निकालना है। सबसे पहला स्टेप, फाइंड एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे आप, गिवन फ्रैक्शन के दोनों के डिनोमिनेटर। अब एलसीएम देखिए सीधा सा है, यहां पर फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि देखिए एलसीएम इसमें भी 11 है और इसमें भी 11 है, तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, 11। ऊपर आप ऐड कर लीजिए 3/7 विच इज 10/11। ये बहुत सिंपल था। हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं,
12 + 7/16 LCM of denominator. सबसे पहला स्टेप है आपको LCM निकालना है डिनोमिनेटर का, विच इज 12 and 16. 4 की टेबल से 2 की टेबल से 6 and 8, 2 की टेबल से 3 and 4, 2 की टेबल से 3 and 2, 2 की टेबल से 3 and 1, एंड 3 की टेबल से 1 and. सो LCM इज 2 into 2 into 2 into 2 into 3, विच इज 48. 2 2 4 4 into 2 8 8 into 2 16 16 into 3 that is 40. LCM आपका क्या आ गया, सारे इन दोनों डिनोमिनेटर का LCM आपका आ गया 48. सो LCM इज 48. अब क्या करेंगे, अब देखिए सिंपल सा मेथड है. अक्सर यहाँ पे कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि हम आपने LCM तो निकाल लिया लेकिन आगे का जो प्रोसेस है वो कैसे करना है. ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 12 की टेबल से 48 कितने टाइम्स डिवाइड होता है, 4 times 4 into 5. अगेन आई रिपीट, वॉच इट केयरफुली, 12 की टेबल से 48 कितने टाइम्स डिवाइड होता है, 4 times, उस 4 को मैंने 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया. प्लस 16 की टेबल से 48 कितने टाइम्स डिवाइड होता है, 3 times into 7. सो सिंपल, 4 into 5 20, प्लस 3 into 7 21 upon 48, विच इज 41/48. सो दैट इज अवर आंसर. सो सिंपल, ये आपको किसी भी दो फ्रैक्शन का एडिशन निकालना हो तब, मान लीजिए आपको 3 फ्रैक्शंस गिवन हो उसका भी यही मेथड है. सारे डिनोमिनेटर्स का आप एलसीएम फाइंड आउट कीजिए. एलसीएम फाइंड आउट करने के बाद वही स्टेप कि जो जो फ्रैक्शंस गिवन है उनके डिनोमिनेटर से वो जो एलसीएम आया वो कितने टाइम्स डिवाइड हो रहा है वो उसको उस उसके डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए. ठीक है, मान लीजिए आपके पास ये हो 7/10 + 2/5 + 3/2, इसका आपको क्या निकालना है, सम. फर्स्ट स्टेप इज एलसीएम 10, 5 and 2 का. 2 की टेबल से 5, 5, 1, 5 की टेबल से 1, 1 and 1, तो 2 into 5 दैट इज एलसीएम आपका क्या हो गया, 10. नाउ सेकेंड स्टेप इज 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 into 7, प्लस 5 को 10 से डिवाइड करेंगे, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 into 2, प्लस 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 into 3. 1 into 7 7, प्लस 2 into 2 4, प्लस 5 into 3 15/10. Which implies that 7 + 4 = 11, 11 + 15, 7 + 4 = 11, 11 + 15 = 26/10. ये भी आपका आंसर राइट है. ठीक है, इसका सम ये भी राइट है. और अगर इसको और सिंप्लीफाई किया जाए तो क्या हो जाएगा, 2 की टेबल से 13/5, ये वाला आंसर भी राइट है. और अगर उसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 की टेबल से देखिए 13, 5 को डिवाइड कीजिए, 5 2 10, रिमाइंडर 3, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 2/3. ये तीनों आंसर इसके करेक्ट है. ओके, सो देयर इज अ मेथड ऑफ फाइंड द एडिशन ऑफ 2 फ्रैक्शन और मोर देन 2 फ्रैक्शन. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अगर आप
आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू सो मच।